हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 1498 में वास्किडो गामा कालीकट पहुंचा। उस समय राजा जो था वो समोरी नाम का हिंदू राजा था, और वास्किडो गामा के बाद इम्पोर्टेंट डेट जो याद रखनी है 1506, गोवा से बंगाल तक उन्होंने व्यापार को फैला लिया था। वास्किडो कहाँ का था? पुर्तगीज था ये, और 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे हेक्टर जहाज को लेकर, जो कि कैप्टन हॉकिंस था उसका कैप्टन। और कैप्टन पहुँचा सीधा जहांगीर के महल में और झुककर उन्हें प्रणाम करा और कहा कि हम आपके यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार के लिए आए हैं। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रॉय वो पहुँचा, पहला राजदूत। उस टाइम ब्रिटिश का जेम्स जो थे वहाँ के किंग थे, तो जहांगीर के पास पहुँचा और फिर उसने उनसे परमिशन मांगी। फिर उसके बाद बंगाल में 1755 में, बंगाल में क्या चल रहा था उस समय, फिर चलते चलते 1755 में नवाब अली वाजिद खान वहाँ का नवाब था बंगाल का, और बूढ़ा हो चुका था, तो 10 अप्रैल 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसका वो नाना था सिराजुद्दौला का, तो उसके बाद सिराजुद्दौला अगला नवाब बना। उसके बाद अंग्रेज़ों का जो था प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेज़ों का प्रभाव कैसा बढ़ा उसके बाद, सबसे पहला युद्ध याद रखना है 1757 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने गद्दारी करी और अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, अगला नवाब बना दिया। लेकिन वो प्रेशर में था ब्रिटिशर्स के, तो वो भी कुछ अपना कुछ कर नहीं पाया। उस फिर उन्होंने क्या करा, मीर जाफर भी बूढ़ा हो रहा था, उसने अपने दामाद को मीर कासिम को अगला नवाब बनाने के लिए तैयार करा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे भी अपने साथ मिला लिया और उसे कहा कि हम तुम्हें अगला नवाब बनाएंगे और तुम मीर जाफर को हराने में हमारा साथ दो। तो वो सुबह ही अंधेरे में ही उन्होंने उसके किले पर, मीर जाफर के किले पर हमला बोल दिया। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से पहले ही किले का घेराबंदी कर ली और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। उसे याद आ गया कि जैसे हमने सिराजुद्दौला को मैंने धोखा दिया, वैसे ही मीर कासिम ने मुझे धोखा दिया। मीर कासिम पावर में आ गया और अंग्रेजों ने 3 जिले और 3 करोड़ रुपए और ले लिए मीर कासिम से, तो मीर कासिम भी उनकी कठपुतली बन के रह गया था। और इधर दिल्ली में 1759 डेट याद रखना, शाह आलम मुगल बादशाह था, ये औरंगजेब का ही लड़का था शाह आलम मुगल बादशाह। उसके बाद ये तीन ऊपर दिल्ली मंगा मुगल, और जैसे यहाँ देख रहे हो आप इधर मराठा और इधर ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। तो अगर पूरे इंडिया पर कब्जा करने के लिए मुगल को हराना बड़ा ज़रूरी था, तो उन्होंने क्या सोचा, मराठा उस टाइम युद्ध करने आ गए थे, मुगलों के ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने। 6 जून 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मुगल की तरफ से और मराठा लड़े, मराठा को हरा दिया गया और अहमद शाह अब्दाली का भी बहुत नुकसान हुआ। वो अफगान था, वो भी अपना अफगान चला गया वापस, और इधर ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हो गया। उन्होंने सोचा अब दोनों ही
ये कमज़ोर हो गए, मुगल और मराठा दोनों ही कमज़ोर हो गए। अब अच्छा मौका है, अब मुगल पर अटैक करा जाए। तो उन्होंने किसी ट्रीटी को साइन करवा कर मुगल शाह आलम को 25 लाख 26 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया, और बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद 1772 में वारन हेस्टिंग गवर्नर बनकर आया, और उसने उस टाइम, फिलहाल इसकी सिर्फ ये या डेट याद रखें, 1772 में वारन हेस्टिंग गवर्नर बनकर आया। इस यही फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनेगा। उसके बाद रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ? उस टाइम जो था नया अकबर शाह 1837 में, अगला जो था दिल्ली में, फिर अकबर शाह आ गया था। अकबर शाह का बेटा जो था बहादुर शाह, लास्ट एक तरह से मुगलों के हिसाब से आखिरी बहादुर शाह ही रहा बादशाह। उन्होंने फिर एक चीज़ ख़त्म कर दी थी, बहादुर शाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसकी जो एक बीवी का याद नाम भी याद रखे, बेगम जीनत महल के पुत्र को अगला बादशाह बना दिया गया। खैर वो तो बहादुर शाह का ही रहेगा, पहले तो अभी बहादुर शाह के टाइम में ही रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों ने 1856 में बादशाह, अच्छा हाँ, बादशाह ये बादशाह नहीं माना जाता था, फिर उसके बाद से बादशाह नहीं माना जाता। 1857 का रिवॉल्यूशन फिर यहाँ से शुरू हुआ। इसने क्या करा था, मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसकी, वो अकेला यही कारण नहीं था, इसके कई सारे कारण थे। पहला तो ये हो गया, उस टाइम डलहौजी ने एक अपना वो लगा दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स का इंट्रोडक्शन कर दिया था कि किसी का पुत्र नहीं होगा तो उसकी जमीन हमारी हो जाएगी या उसकी राजशाही हमारी हो जाएगी, अगर किसी का पुत्र, सगा पुत्र नहीं होगा, अगर उसने गोद भी ले रखा होगा तो भी हमारी हो जाएगी। एक तो ये रीज़न हो गया, और लखनऊ के नवाब वाजिद अली खान को कलकत्ता भेज दिया था, हाँ वो इसी कारण से भेज दिया था। कई सारे राज्य को, झांसी को भी इन्होंने इसमें ले लिया था, क्या ना, नागपुर, सतारा, पुणे, संभलपुर, ये सब इसने ले लिए थे। ऐसे ही परेशान हो गए थे नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिल गए थे। और तीसरा इन्होंने ये करा था, रिवॉल्यूशन का एक ये मेन कारण था, धार्मिक धार्मिक लोगों का धर्म खराब करने की कोशिश करी थी। जैसे हिंदुओं के लिए ये था, मतलब भड़काया तो था ही मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काया। और इस जहाँ पर भी हमारे सैनिक इनकी इनकी पुलिस, मतलब इनके डिफेंस के लिए एक आर्मी में थे हमारे लोग, तो उनके कारतूसों को गाय और सूअर की चमड़ी के बनाए जाते थे, और उसे इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। जब उन्हें पता चला, सबसे पहले ये हुआ था बैरक, कौन सी छावनी थी जहाँ पर मंगल पांडे थे, वहाँ पर मंगल पांडे को पता चला, तब उन्होंने शुरू करा, वहाँ से ही शुरू हुआ था। और तीसरा ये भी है, दिल्ली के जो बहादुर शाह थे उन्होंने सभी को एक साथ कर लिया, लक्ष्मीबाई, पेशावर पेशवा जी महाराज और बिहार के कुंवर जी, सभी को एक साथ लेकर साधु और मौलवी दोनों प्रचार करने निकले कि हमें अब रिवॉल्यूशन करना है। 31 डेट तय हुई थी 31 मई 1857 को, लेकिन उसी से पहले ये मतलब शुरू हो गया था क्रांति, क्योंकि उन अत्याचार इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बैरिकों में, और इन्होंने रोटी और कमल का फूल चिन्ह बनाया था। कमल का फूल एक डे मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, जगह जगह, मतलब इन्होंने ये हैंड ओवर कर देते थे कि आप आगे दे देना, आप आगे दे देना, ऐसे करके रोटी का थोड़ा सा खाना फिर आगे दे देना,
और फिर ऐसे ही करते करते ये रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया था, बिठुर था वो, शायद बिठुर था हाँ, जहाँ पर मंगल पांडे की पलटन 19 नंबर पलटन थी मंगल पांडे की। तो रिवॉल्यूशन सबसे फिर उसके बाद मेरठ और दिल्ली में हुआ, जिसमें 90 में से 85 सिपाही ने मना कर दिया था कारतूस यूज़ करने के लिए और उनको अपमान करने के लिए जेल में ले गए और भारतवासियों के सामने उसके मतलब कपड़े वपड़े उतार दिए और उन्हें सजाए देने लगे। तो उन्हीं को लोग देखते हुए जो बाकी सिपाही थे वो जब बाजार बाजार थे तो उन मतलब हिंदुस्तान की औरतों ने भी उन्हें कहा कि तुम चूड़ियाँ पहन लो, तुम्हारे अपने भाइयों को वो करवा दिया, बेइज्जती करा दी, जेल में है वो। तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सब में इकट्ठे होकर एक तारीख तय करी कि अब हम मतलब इनके विरोध करते हैं इनका। 11 मई 1857, वैसे डेट जो थी 31 मई थी, लेकिन 11 मई 1857 को मेरठ में शुरू कर दी थी उन्होंने। तो फिर ये 10 मई को शुरू कर दी थी, 11 मई ये दिल्ली पहुंच गए थे जो मुगल बादशाह था उसके पास कि हम तुम्हारा साथ देंगे। तो उसी उन्हीं के झंडे के नीचे ही सबने ये युद्ध करा, क्योंकि एक मेन था मुगल को, अगर वो राजा बन जाएगा तो हमें बचा लेगा एक तरह से, उसी की लीडरशिप में इन्होंने काम करा उन्हीं के लिए। फिर उसके बाद तो रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन होते ही रहे, हर जगह रिवॉल्यूशन हो गया। रिवॉल्यूशन से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता लेकिन पता होना ज़रूरी है। फिर 16 मई जगह जगह पर मतलब सब जगह पता चल गया कि बरेली में हुए, लखनऊ में हुए, हर जगह मतलब रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। ये रिवॉल्यूशन के बारे में ही है, रिवॉल्यूशन से पर इतना क्वेश्चन नहीं आता। चलो बस इतना ही। इन्होंने बहुत मारा फिर भारत वालों ने अंग्रेजों को, रुला रुला दिया, भगा दौड़ा दौड़ा के मारा।